अमरोहा में नव निर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स में पिछले 7-8 माह से ताला लटका हुआ है। नगर परिषद द्वारा जनता की सुविधा के लिए लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा परेशानी का सामना करना पड़ता है। विदित हो कि उक्त तिराहा पर सुबह से आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली जनता एवं भीड़ बनी रहती है। निस्तार के लिए यहाँ वहाँ स्थान देखना पड़ता है और सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को उठाना पड़ती है। इसके अलावा शहर के अंदर बाजार में पेशाब घर नहीं दिखाई देता है। सीएमओ का यह हाल है कि उन्हें नगर की समस्याओं को में कोई रुचि नहीं दिखाई देती है और कहा जाता है कि नगर में कोई समस्या ही नहीं है। मीडिया अपनी मर्जी से ऐसा करती है। नगर का दुर्भाग्य कहा जाए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि की जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं देते के सफाई होने चाहिए। गांव बस्ती पूरा मोहल्ला बाहरी आदमी आते हैं तो वो भी चले जाते हैं। पेट दर्द होता है तो उनको कहो वही दरवाजे में करके भाग जाते हैं। साफ नहीं सफाई नहीं और है तो नहाने की दिक्कत और लेटरिन की दिक्कत हर चीज़ की दिक्कत है तो ये खोलते ही नहीं। अब क्या करें, बदबू आती है गंध आती है तो भाग जाते लोग भाग। अब क्या करें। कितने दिन से पड़ा है जी? एक साल हो गए, 8 महीना। खुल नहीं रहा है? खुल नहीं रहा है। इतनी दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो दरवाजे में रह रहे तो और दिक्कत है। बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, एलर्जी बढ़ जाए तो कौन लगाएंगे? सरकार तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।